बीजेपी से चुनाव लड़ना होता तो एक दिन में त्याग पत्र स्वीकार हो जाता। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की न्याय पदयात्रा पहुंची रायसेन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस्तीफा ना मंजूर होने से नाराज छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सरकार के खिलाफ न्याय पदयात्रा शुरू की है। ये यात्रा बैतूल के आमला से शुरू हुई है। न्याय पदयात्रा रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज पहुंची। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कहा, त्याग पत्र रोकने का प्रयास किया जा रहा है। शिवराज मामा हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर बीजेपी से चुनाव लड़ना होता तो एक दिन में त्याग पत्र स्वीकार हो जाता है, वह टिकट मिल जाता। अपने अधिकारों के सुरक्षा का हवाला देकर इस्तीफा देकर चर्चा में निशा बांगरे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वो डिप्टी कलेक्टर के पद से मुक्त होना चाहती हैं। निशा ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने हेतु मेरा त्याग पत्र स्वीकार होना चाहिए। मैं एक महिला, वो भी अनुसूचित जाति से हूँ, इस कारण मेरे स्वतंत्रता के अधिकार से मुझे वंचित ना रखा जाए। आपको बता दें कि अपने इस्तीफा से प्रदेश में चर्चाओं में आई निशा बांगरे ने इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर यह न्याय पदयात्रा शुरू की है। आमला से शुरू हुई यात्रा मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक जाएंगी। दरअसल डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने मंजूर करने से इनकार कर दिया था। विभाग ने उनका इस्तीफा यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण किया है। ये न्याय पद यात्रा निकालनी पड़ रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैंने 22 जून 2023 को अपने डिप्टी कलेक्टर की पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन शासन ने आज तक इसको स्वीकार नहीं किया। पहले तो मुझे अपने सरदर्द के कार्यक्रम में जाने से रोका, जो मेरे स्वयं घर का उद्घाटन था, उसमें उन्होंने लिखित में दिया कि आपको किसी भी स्वरूप में उसमें जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये जो भारत का संविधान है, ये सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन उससे मुझे वंचित रखा गया। तो उससे आहत होकर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शासन ने अभी तक मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो अगर मुझे बीजेपी से लड़ना होता तो एक दिन में इस्तीफा भी हो जाता। जैसा आप देख सकते हैं कि 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी, उसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जो कि अति आवश्यक सेवा होती है, उनको एक दिन में इस्तीफा देकर के उसी दिन टिकट मिलती है और उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करवा दी जाती है। तो अगर मैं 3.5 महीने होने जा रहे हैं, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि मुझे अब जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मुझे रोका जा रहा है। तो एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, दूसरी तरफ एक अनुसूचित जाति की पढ़ी लिखी महिला अगर राजनीति में आना चाहती है तो उसे रोका जा रहा है। तो ये जो राजनीतिक मंशा इस मध्य प्रदेश शासन के पैर, शिवराज मामा जो अपने आप को तथाकथित मामा कहते हैं, तो एक अपने अनुसूचित जाति की भांजी को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, वो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए हमें आमला से जो है भोपाल चलकर जाना पड़ रहा है। कि आप देखिए कि किस तरीके से आपके जिम्मेदार अधिकारी जो है महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।